हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं फिर आपके बीच रत्नेश यादव आरपीएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से पॉलिनोमियल चैप्टर का त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगा। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो हम अभी आपके बीच, मैं रत्नेश यादव आरपीएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट पातेपुर वैशाली के माध्यम से आप सबों को बीच क्लास कराना चाहता हूँ, कक्षा दसवीं के छात्र एवं छात्राओं को। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिघात बहुपद के शून्यको एवं गुणांकों के में संबंध। कल मैं पढ़ा था द्विघात बहुपद के शून्यको और गुणांकों में संबंध, आज हम पढ़ूंगा त्रिघात बहुपद के त्रिघात बहुपद के शून्यको और गुणांकों में संबंध। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। जैसा कि बता दूं, जिस तरह द्विघात बहुपद का शून्यको और गुणांकों के बीच हम लोग पढ़े हैं, उसी तरह हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में कुछ जानेंगे। जैसे कि हम लिखे हुए हैं, एक त्रिघात बहुपद के शून्यको एवं गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यको एवं गुणांकों के बीच का संबंध निकालना है। तो हम जानते हैं कि एक त्रिघात बहुपद, बताए थे कि एक त्रिघात बहुपद होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये एक त्रिघात बहुपद है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। ये एक त्रिघात बहुपद है। तो हम लोग इसके बारे में जानना है। पिछले कक्षा में, पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इस सब के बारे में बताया था। तो हम चलते हैं, इसका शून्यको और गुणांकों बीच का संबंध स्थापित करना है हमें। तो हम चलते हैं फॉर्मूला पे, क्योंकि इसका शून्यक अल्फा बीटा और गामा मानते हैं होता है। तो अल्फा बीटा और गामा मानते हैं, द्विघात बहुपद का होता था, त्रिघात है, द्विघात बहुपद का बच्चों बताया था अल्फा और बीटा। यहाँ त्रिघात बहुपद में हो जाएंगे तो अल्फा बीटा और गामा मान लें। तो अल्फा बीटा और गामा होते हैं। इससे हम चलते हैं पहला क्वेश्चन का फॉर्मूला, पहला त्रिघात का फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए। दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए। तो ये समझ गए। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, तीसरा होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस डी बाई ए। ये फार्मूला होते हैं त्रिघात बहुपद निकालने, शून्यको और गुणांकों के संबंध के बारे में निकालने के लिए फार्मूला होता है। इस फार्मूला से हम चलते हैं। तो किसी त्रिघात की, तो हम ये जान गए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब मैं चलता हूं बच्चों आपके बीच, अगर कोई शून्य का गुणांक दिया हो, योगफल, गुणांकों का योग और गुणांकों गुणनफल दिया हो, तो हमें अगर कोई त्रिघात बहुपद निकालने के लिए कहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एक त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। आखिर त्रिघात बहुपद होगा कैसे, तो हम चलते हैं अब त्रिघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे आपके बीच। तो अब त्रिघात अगर कोई अल्फा प्लस बीटा और गामा दिया हुआ हो, यदि किसी त्रिघात बहुपद में पी एफ एक्स का शून्य, यदि किसी त्रिघात बहुपद में P ऑफ x का शून्य अल्फा बीटा और गामा दिया हो, तो त्रिघात बहुपद बराबर हो जाएगा त्रिघात
बहुपद बराबर हो जाएगा कि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स क्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर यहां इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमारा त्रिघात, अगर त्रिघात बहुपद के शून्यक दिया हो तब हमको कहे क्वेश्चन त्रिघात बहुपद निकालने के लिए बच्चों, तो मैं इस फॉर्मूला के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से हम त्रिघात बहुपद निकाल लेंगे। तो आप इतना हम समझ में आ गया, अगर कोई तरह की प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में जरूर कहें, कमेंट करें और बताएं, हम आपको फिर अगले दिन इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक त्रिघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद के बारे में बच्चों हम समझते हैं। तो त्रिघात बहुपद होता है एक्स क्यू प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का शून्यक अगर अल्फा प्लस बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस डी बाई ए। अगर ये हम अल्फा प्लस बीटा और गामा दिया हो तब तो ये तीनों निकाल दिए। अगर किसी बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा और किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा और गामा दिया हो, क्या हो दिया हो, तो हम इस फॉर्मूला से त्रिघात बहुपद निकालेंगे। लेकिन कहें तो त्रिघात बहुपद निकालेंगे, अगर अल्फा बीटा गामा नहीं दिया हो तो उसको निकालने के लिए हमको इस फॉर्मूला का प्रयोग, सॉरी अल्फा बीटा गामा दिया हो, अगर हमको शून्यक निकालना हो तो इसी फॉर्मूला से बहुपद निकाल सकते हैं त्रिघात बहुपद। बस अब इसके बाद मैं फिर क्वेश्चन पे चलूंगा, ठीक है।